सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग आज अपना पहला टॉक शो शुरू करने वाले हैं जो कि हमारा पहला एपिसोड है और ये बहुत ही खास है क्योंकि आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों की ये डिमांड थी कि हम एक टॉक शो करें जहाँ पे हम हर बार एक नए स्पीकर को बुलाएं, एक व्यक्ति जिनसे हम और बहुत कुछ जान सकते हैं अपने बिजनेस के बारे में और अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके बारे में। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस सेशन से आज बहुत कुछ सीखने वाले हैं और आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए और बहुत सारे टिप्स और इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो कि निश्चित तौर पे आपके बिजनेस में चार चांद लगाने का काम करेगी। तो मैं यहां पे आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आई वुड लाइक टू इन्वाइट आर स्पीकर फॉर द डे। हाई, गुड मॉर्निंग आरती, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग सिद्धार्थ। ओके ओके, सो सिद्धार्थ, thank you, thank you. So guys, let me introduce you to Aarti ma'am and Miss Aarti Tiwari ma'am, जिनका अगर मैं बात करूँ तो obviously personally हम लोगों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा और pan India जितनी भी आप स्किन केयर की ट्रेनिंग्स आप लोग देखते हैं, चाहे वो मिस्टर एल ऑफ मिलान की ट्रेनिंग्स हो, चाहे वो स्किन फॉर्मूला 9 हो, चाहे वो श्योर नेचुरल हो, चाहे वो BMW ट्रेनिंग्स हो, वो लेवल अप ट्रेनिंग्स हो, प्रो आर्ट मेकअप ट्रेनिंग्स हो, तो ये जितनी भी ट्रेनिंग्स पूरे इंडिया में की जाती हैं और स्किन के ऊपर, स्किन केयर के ऊपर जो काम किया जाता है वो आरती मैम की टीम के द्वारा ही किया जाता है। सो शी इज मैनेजिंग द शो व्हेन इट कम्स टू आवर स्किन केयर पैन इंडिया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एक सौगात जो हमें आरती मैम की तरफ से मिली और आई थिंक नाउ That is a pan India revolution, a big hit, जिसकी शुरुआत कोलकाता में हुई थी, which is women empowerment program, जहाँ पर कोलकाता में 2000 से ज़्यादा लोग आए थे, I still remember that event, और उसके बाद पूरे इंडिया के अंदर इस इवेंट को किया जाने लगा and all the owners and all the credit goes to Aarti ma'am and her team, wonderful team, जो इस तरीके के events आप लोग हमारे लिए organize करते हो और हमें specially मुझे भी मैं कहूँगा because I must say, being a male, you know, not just only for a female, also being a male, we all need to know the potential of skincare. So thank you, Aarti ma'am. Thank you so much. आपने time निकाला अपने busy schedule में से और हमारे audience से बात करने के लिए आज आप यहाँ आए हैं. And I'm so delighted to announce कि हमारा पहला talk show है. And I spoke to you over the phone and I said I need your help. And you said, you know, you are always there. So thank you and welcome to our first talk show in this series. So Aarti ma'am, can we just start? Is it okay? Can we ask some Siddharth, few questions? Siddharth, moving ahead. Before moving ahead, I just want to thank you so much, Siddharth, because it's a great initiative. क्योंकि आज मैं देख रही हूँ पैन इंडिया से लोग हमें सुन रहे हैं और ये सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आज ये इनिशिएटिव आपने लिया और ड्यू टू दैट आज हम इस इवेंट को करने जा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच आरती। सो इट्स ऑलवेज यू नो प्लेजर एंड वी आर ए टीम टुगेदर और आपका और हमारा यही फोकस रहता है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर सकें और एजुकेट कर सकें। तो मैं ऑब्वियसली कुछ सवाल जो मैं आज आपसे करना चाहूँगा क्योंकि आई नो कि इन सवालों के जवाब आपसे बेटर और कोई नहीं दे सकता व्हेन इट कम्स टू द इंडस्ट्री। और बहुत से सवाल हैं जो मैं आज पैन इंडिया हमारे जो लीडर्स काम कर रहे हैं स्किन केयर के ऊपर उनके बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आपसे करना चाहूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं जनरली आप जो यू नो हमारे सामने आता है कि जो हमारी स्किन केयर की इंडस्ट्री है, जो ब्यूटी एंड मेकअप इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली आज उसके बारे में बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं वेस्टीज में भी और वेस्टीज के बाहर। बहुत सारे लोग जिन्होंने स्किन केयर पे कभी काम नहीं किया वो लोग भी इस पे काम करना शुरू कर रहे हैं। तो इसको लेकर आप क्या, इस जो ट्रेंड्स हैं इसके, इसका फ्यूचर क्या है आने वाले समय में या किस तरीके से ये चेंज हुआ है ओवर द ईयर्स, खासतौर से वेस्टीज बिजनेस में जो वेस्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके लिए स्किन केयर को लेकर क्या ट्रेंड है आज और आने वाले समय में? थैंक यू सो 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 मच सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का, जैसे सिद्धार्थ ने आपका वेलकम किया तो मैं जस्ट आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि ब्यूटी एंड मेकअप हमारी पूरी वेस्टीज के सेगमेंट में
एक बहुत बड़ा आने वाले टाइम पे माइलस्टोन बनने जा रहा है। इसका रीजन ये है फ्रेंड्स कि जैसे आपने देखा होगा कि लास्ट 20 इयर्स से हम वेस्टीज के साथ एसोसिएटेड हैं, और 20 इयर्स की जर्नी में वेस्टीज ने जो हमें दिया एवरी टाइम, वेस्टीज को इसीलिए कहा जाता है एक रेवोल्यूशन, जहाँ पे हर बार जब भी इंडस्ट्री की कोई डिमांड होती है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट हम वेस्टीज में लेकर आते हैं। और जैसा आपने देखा कि हमने स्टार्ट की अपनी जर्नी हेल्थ सप्लीमेंट से, लेकिन हेल्थ के साथ साथ हम डे बाय डे हम आज हेल्थ में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम एग्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम स्किन केयर एंड ब्यूटी में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम कलर कॉस्मेटिक्स में बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ओरल केयर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि आने वाले टाइम पे जितने भी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, वेस्टीज और वेस्टीज मैनेजमेंट हमेशा इसका ख्याल रखते हैं, और इसी के लिए हम अपने ब्रांड्स और अपने सेगमेंट्स को आगे बढ़ाते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो सिद्धार्थ जी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, उन्होंने पूछा कि ब्यूटी एंड मेकअप का ट्रेंड या ब्यूटी एंड मेकअप का मार्केट कितना बड़ा है और आने वाले टाइम पे हम इसमें कितना बड़ा काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं जो मेरे नॉलेज में है और जो बहुत इम्पोर्टेंट है आज के आप लोगों को जानकारी के लिए। प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड ह्यूमन नेचर और साइकोलॉजी में बहुत बड़ा चेंजेस आया है। कोविड के पहले लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग था, कोविड के बाद लोगों का थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग हो चुका है, और कोविड के बाद देखा गया कि मार्केट में एक नया वर्ड निकल के आया, द वर्ड इज कॉल्ड न्यूरो ग्लो। न्यूरो ग्लो का मतलब होता है फ्रेंड्स कि अगर आप कोविड के पहले जब किसी व्यक्ति से मिलते थे और जब आप उनसे बात करते थे कि आप अपना ख्याल रखो, आप अपना टेक केयर करो, अपना ख्याल रखो, तो लोगों का एक एग्जाम्पल होता था, हम अच्छे रहे ना रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली बच्चा अच्छा रहेगा तो चलेगा। अगर लेडीज से आप ये क्वेश्चन पूछो तो लेडीज भी सेम जवाब देती थी, हम अच्छा रहे ना रहे हस्बैंड बच्चा अच्छा रहेगा तो होगा। लेकिन कोविड ने हमें वैल्यू ऑफ आवर सेल्फ, माई सेल्फ, ये वर्ड हमें कोविड ने बताया। फ्रेंड्स, जब हम फ्लाई करते हैं, हमने सुना है कि जब वो इमरजेंसी लैंडिंग होती है तो वो कहते हैं कि जब आप इमरजेंसी लैंडिंग हो रही है तो सबसे पहले मास्क आप खुद को लगाएं, क्योंकि दुनिया में ये सबसे पहले कहा गया है कि आप बचेंगे तो आप सामने वाले को बचा पाएंगे। लेकिन कोविड के पहले तक हम इस वर्ड का वैल्यू नहीं जानते थे कि हमारी जिंदगी हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोविड ने हमें रियलाइज कराया कि अगर अपने फैमिली को बचाना है तो सबसे पहले हमें खुद को बचाना बहुत जरूरी है, और अगर हम खुद बचेंगे तो ही हमारा परिवार बचेगा। ये वर्ड जब मार्केट में आया फ्रेंड्स, तो ये कोविड के बाद ही ये साइकोलॉजी चेंज हुई लोगों को अपनी वैल्यू पता चली, और फिर मार्केट में एक वर्ड आया न्यूरो ग्लो। न्यूरो ग्लो का वर्ड का मतलब होता है कि आज की डेट में लोगों ने वैल्यू समझा इंटरनल हेल्थ और हेल्थ का दूसरा पार्ट, दैट इज एक्सटर्नल हेल्थ। फ्रेंड्स, वेस्टीज डे वन से इस चीज को जानती है, और डे वन से आप जैसे कहते हैं, हम लोग सारे लोग ये जानते हैं, सब लोग कहते हैं कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो विजनरी है। हम MD सर को कहते हैं कि आने वाले 20 साल के बाद हमें कहां जाना है ये उनको पता है, उनका विजन इतना बड़ा है। ड्यू टू दैट फ्रेंड्स, आज आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो हमारे स्किन केयर की सेगमेंट है, ये सारा प्रोडक्ट हेल्थ के साथ रिलेटेड है। तो मैं यही कहना चाहूंगी सिद्धार्थ के, आज स्किन एक्सटर्नल हेल्थ नहीं है, वो इंटरनल हेल्थ का एक पार्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है एक्सटर्नल इंटरनल हेल्थ को। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगी कि पहले मेकअप या ब्यूटी ये एक अलग सेगमेंट माना जाता था कि यस, ब्यूटी यूज करना या ब्यूटी प्रोडक्ट्स को यूज करना या फिर मेकअप के प्रोडक्ट को यूज करना या स्किन केयर के प्रोडक्ट को यूज करना, ये पहले लोग कहते थे कि अच्छा कहीं बाहर जाएंगे तो हम यूज करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, आज ये जमाना बदल चुका है, और आज अगर आप इंटरनल हेल्दी हैं तो आपको वर्ल्ड को भी दिखाना होता है कि आप एक्सटर्नली भी हेल्दी हैं, और इसके लिए अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे लाइफ का बन चुका है। जी सिद्धार्थ,
So I think thank you Aarti what you said because Westridge में हम लोग कहते हैं look good and feel good तो वो बहुत important है और once again आपने जो vision है MD sir का management का वो हमारे साथ share किया and you know one thing which I really agree with you कि जैसे हम लोग पढ़ाते हैं ना school में बच्चों को कि इस एक you know history जो पढ़ाई जाती है तो हो सकता है आने वाले और 10 साल के अंदर स्कूलों में पढ़ाया जाए प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड क्योंकि लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है पोस्ट कोविड और जहां तक सोशल मीडिया का रोल है व्हाट आई थिंक सोशल मीडिया का जितना लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पोस्ट कोविड शायद उतना पहले नहीं करते थे और अब सबके पास स्मार्टफोन है एंड एवरीबॉडी इज यू नो दे हैव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद देम फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड तो हाउ डू यू थिंक आरती सोशल मीडिया का क्या इम्पैक्ट है स्किन केयर इंडस्ट्री के ऊपर या अगर हम बात करें एज ए वेस्टिजियन अगर हम स्किन केयर पे और काम करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया का हम कैसे उपयोग कर सकते हैं या कैसे यह हमारे लिए एक एडवांटेज हो सकता है हमारे बिजनेस को बढ़ाने के लिए उस पर अगर आप कुछ हमें बता पाए सिद्धार्थ वेरी वैलिड पॉइंट आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा कि ड्यूरिंग द कोविड अगर हम नोटिस करें तो सोशल मीडिया का रोल भी बहुत बड़ा हो गया है आज की डेट में बिजनेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में क्योंकि सिद्धार्थ अगर हमें याद हो कि हम लोग 3-4 साल पहले जब कोविड के पहले की हम बात करें तो हम सोशल मीडिया पे तो एक्टिव थे लेकिन आज जितने ज्यादा हम एक्टिव है शायद हम उस टाइम उतने एक्टिव नहीं हुआ करते थे राइट तो अभी जैसा मैं देखती हूँ सिद्धार्थ कि आज की डेट में चाहे मैं बात करूँ इंस्टाग्राम की चाहे मैं बात करूँ फेसबुक की चाहे मैं बात करूँ रील्स की तो मैंने देखा है सिद्धार्थ कि आज की डेट में लोग और ये जो सोशल मीडिया है इनके भी जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को मैंने देखा है कि अभी पहले जब हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद हम 1-to-1 उसका कम्युनिकेशन करते थे और हम लोगों को बताते थे प्रोडक्ट कितना अच्छा है लेकिन आज की डेट में आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर फेसबुक पे रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे रील बनाते हैं और जब हम उसको डालते हैं तो नॉट इवन जो हमारी इंडस्ट्री से है सिर्फ वही लोग बहुत सारे ऐसे नए लोग भी होते हैं जो हमारे प्रोडक्ट को देखते हैं फिर वो हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं इनफैक्ट अगर हम देखें हमारा अपना जो हमारा वेस्टिज का यूट्यूब चैनल है तो जब आप देखते हो कि वहां पे जब हम कोई वीडियो डालते हैं तो लोगों की बहुत ज्यादा नॉलेज या रीच हमारी बढ़ती जा रही है तो मुझे ऐसा लगता है सिद्धार्थ कि जितना ज्यादा हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं क्योंकि कहा ही जा रहा है ये सोशल मीडिया है और हमारा बिजनेस भी सोशल है तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगता है कि जितना ज्यादा आप इसका यूज करेंगे बिजनेस को ग्रो करने में आपको उतनी ज्यादा मदद मिलेगी और इसके लिए जब भी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो या आप जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 1-to-1 तो शेयर हम करते ही हैं फ्रेंड्स बिजनेस को बड़ा करने के लिए लेकिन अगर आप सोशल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो आप बिजनेस को 4 गुना स्पीड से डबल अप कर सकते हैं वंडरफुल तो ये हमारे बिजनेस को मतलब अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज हो गया कि हम में से सारे लोग अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को प्रोडक्ट की जो नई कैटेगरीज हैं उनको कर सकते हैं और ऑब्वियसली डेमो करके दिखा सकते हैं अपनी रीच बढ़ा सकते हैं क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि प्रेजेंस बहुत जरूरी है और अब हमारे लिए प्रेजेंस आसान हो गया क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है एंड राइट एंड एक चीज और जो मैं आपसे जानना चाहूंगा आरती एंड आई नो आप ऑलरेडी उसके बारे में हमें बता रहे हो बट अगर हम स्किन केयर या ओवरऑल क्योंकि हम हेल्थ केयर की जब बात करते हैं तो ये बहुत ही बड़ी रेंज है आने वाले समय में हम जानते हैं नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स और ज्यादा खुलेंगे तो हमारे हेल्थ केयर पे तो हम काम कर ही रहे हैं बट 5 या 10 साल बाद स्किन केयर का स्कोप क्या है या हमारी जितनी भी कैटेगरीज हैं इनके ऊपर यू नो क्यों किसी को काम करते रहना चाहिए आने वाले 5 से 10 साल में अगर उसमें आप में फ्यूचर दिखा सके इस इंडस्ट्री का सो दैट वुड रियली हेल्प अस इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन सिद्धार्थ एंड आई रियली थैंक यू बिकॉज आपने जो क्वेश्चनियर्स बनाए हैं मुझे लगता है कि आज हमारे साथ जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हर व्यक्ति का सेम क्वेश्चन हर व्यक्ति के दिमाग में चल रहा है कारण इसका यह है फ्रेंड्स कि जैसा सिद्धार्थ ने बताया हम ऑलरेडी हेल्थ पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स जब मैं ट्रेनिंग करती हूँ मीटिंग करती हूँ मैं हमेशा लोगों से एक ही बात पूछती हूँ कि हम लोगों में से सारे लोगों ने बचपन से एक लाइन सुना है कि जो दिखता है वो बिकता है
फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन. और जब आप किसी से बात करते हो, आप अपने हेल्थ के प्रोडक्ट ही लोगों को बताते हो, तो फ्रेंड्स ये बहुत जरूरी है. हेल्थ इंटरनल है. आप जब सप्लीमेंट लेते हो, आप जब हेल्दी डाइट लेते हो, आप जब अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, तो जितना अच्छा आपको अंदर से रहना जरूरी है, आपको बाहर से भी उतना ही अच्छा दिखना भी जरूरी है. क्योंकि जब एक्सटर्नल हेल्थ अगर आपका अच्छा नहीं होता, तो आप अपने एक इंटरनल हेल्थ को रिफ्लेक्ट नहीं करा पाते या लोगों को बता नहीं पाते. कोविड के पहले सिद्धार्थ हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अंदर से भी हेल्दी रहना क्यों जरूरी है या बाहर से भी हेल्दी रहना क्यों जरूरी है. लेकिन सबसे बड़ा कोविड के बाद का एक जो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धार्थ, आज हम जूम पे हैं और आज हमारे साथ 300 से ज्यादा लोग हमें अटेंड करके बैठे हुए हैं. तो आज ये जो 300 लोग हैं, आज अगर आप घर पर भी हैं, आपने लिंक को ज्वाइन किया है, और जैसे ही आपने लिंक को ज्वाइन किया, आपको सोशल मीडिया आपको देख रहा है. इसके लिए जब हमारा एक्सटर्नल हेल्थ, मतलब आप इंटरनली अच्छे तो हैं, लेकिन एक्सटर्नली भी आपको अच्छा लगना इक्वल इंपॉर्टेंट हो चुका है. सेम उसी तरीके से सिद्धार्थ, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग्स में एग्जांपल देती हूँ कि जब हम लोगों से कहते हैं चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ, तो जैसे ही हम ये वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहला वो व्यक्ति आपकी तरफ देखता है, और देखने के साथ साथ उसके दिमाग में फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि अरे हाँ सर, तो वेस्टी ज्वाइन करने से पहले ऐसे लगते थे, सर ज्वाइन करने के बाद बिल्कुल डिफरेंट लग रहे हैं. तो वो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट बताने से पहले वो आपको देख के रिलेट करने लगता है और कहता है कि अगर सर बदल गए तो बिल्कुल मैं भी बदल जाऊंगा. और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि आज से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, और 5-10 साल के अंदर हम जिस स्पीड से ग्रो कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जैसा मैंने आपको बोला, हम 4 times मल्टीपल टाइम्स हम इस बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं. तो बस मैं यही बोलूंगी फ्रेंड कि आज आप पीवी, जितना पीवी इस ब्रांड पे कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे इसका 4 times ज्यादा होने वाला है. इसलिए प्लीज 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 अपना नॉलेज इसके बारे में जितना इनहेंस कर सके उतना अच्छा होगा. जी सिद्धार्थ, वंडरफुल वंडरफुल. एंड आई थिंक रियली आपने हमें एक विजन दिखाया, एक पिक्चर आपने दिखा दी कि जो लोग भी ये सोच रहे थे कि यार मैं सिर्फ हेल्थ पे काम करूं, नाउ आई थिंक उनकी आर्मरी में एक और वेपन एड हो गया आने वाले समय के लिए, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में हम फ्यूचर की बात करते हैं. तो फ्यूचर देखना और एक नए व्यक्ति को ज्वाइन करा के फ्यूचर दिखाना बहुत जरूरी है, तभी वो टिक के लंबे समय के लिए काम करेगा. राइट. एंड आरती, आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल इवन टू यू एंड टू माई ऑडियंस, आई थिंक हो सकता है अभी बीच में यू नो दिस लिंक माइट गेट डिसकनेक्ट, बट प्लीज रीज्वाइन इन केस, बिकॉज though this is a company link, but I think there is some technical pop-up which I have just got right now. So, okay. I'll have to recheck why it is so, right? But agar aapka disconnect ho jata hai guys, to aap dobara is link pe join kar lijiyega. In the meanwhile, ek sawal jo main karna chahunga, jo sab log janna chahte hain. Aur I think ye sabse important sawal hai ki yaar, main agar skin care pe kaam kar raha hu ya kar rahi hu, to main ek bada payout, ek badi income, कैसे अर्न कर सकता हूँ स्किन केयर के ऊपर काम करके. तो अगर आई नो कि इसको बताने के लिए काफी समय चाहिए होगा, बट ऑब्वियसली यू बीइंग एन एक्सपर्ट इन दिस कैटेगरी, अगर आप हमें कुछ टिप्स दे पाए जो कि हेल्पफुल हो लोगों के लिए, जिनके करके उनकी एक बड़ी इनकम हो सके, आई थिंक दैट विल बी ग्रेट. थैंक यू सो मच सिद्धार्थ. ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि सबका, यहाँ पे जितने लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं हमें, सबका फेवरेट क्वेश्चन होगा ये, मेन क्वेश्चन यही है. जी यस yes, क्योंकि सिद्धार्थ मैं खुद भी जानती हूँ, मनी इज द बिगेस्ट मोटिवेटर. इससे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में किसी चीज से नहीं मिलता. और बीइंग अ पर्सन, हम हमेशा कहते हैं कि अगर जब आप काम कर रहे हो, तो काम अगर रिजल्ट ओरिएंटेड हो, तो उससे ज्यादा मजा कहीं नहीं आता. फ्रेंड्स, जैसे मैं अपनी मीटिंग में हमेशा बोलती रहती हूँ कि वेस्टीज में हमारी आईडी और हमारा पीवी यही बताता है कि 10th को हमारा चेक कितना बड़ा आने वाला है. राइट. और इसके लिए पीवी के ऊपर कैलकुलेशन बहुत जरूरी है. तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि वेस्टीज में हमारे जितने भी कैटेगरीज हैं, उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूं स्किन,
मेकअप मतलब स्किन फॉर्मूला 9, मिस्टल ऑफ मिलान, ड्यू गार्डन, इन सारी कैटेगरीज के ऊपर कंपनी ने बहुत हाई पीवी देकर रखा है। तो जब आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि इस कैटेगरी के अंदर दो चीजें आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। पहला, एक मिलेगा आपको लॉयल कस्टमर, जो आज की डेट में मुझे लगता है सिद्धार्थ सबसे इंपॉर्टेंट है बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि स्किन केयर लॉयल्टी देता है। जब आप किसी को प्रोडक्ट सजेस्ट करते हो, रेकमेंड करते हो और बताते हो, तो आपको ये प्रोडक्ट, पहली चीज है कि आपको सिंगल डेमोंस्ट्रेशन में ये प्रोडक्ट रिजल्ट शो कर देता है जी। दूसरी चीज है, इसके ऊपर पीवी बहुत ज्यादा है। तीसरा जो फायदा है कि आपका लॉयल कस्टमर बनता है। तो जब तीनों कॉम्बिनेशन सही होते हैं सिद्धार्थ, तो इसमें हमारा जो टाइम का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मैं हमेशा एक वर्ड अपनी मीटिंग में लोगों को सिखाती हूँ, ROTI, द फुल फॉर्म इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। ओके ओके, ROTI, द कंप्लीट वर्ड इज कॉल्ड रोटी, रोटी एंड द फुल फॉर्म इज रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। हमारी जिंदगी में जो समय हम लोगों ने, जो समय हम गुजारते हैं, तो मैं बार बार कहती हूँ कि हमारी जिंदगी में दो डेट्स फिक्स हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और दूसरा एक्सपायरी। हम पैदा कब होंगे ये भी फिक्स था, और हम मरेंगे कब ये भी फिक्स है। इन दोनों के बीच का जो टाइम होता है ना, दैट इज कॉल्ड लाइफ। और जब आप एक लाइफ को लीड कर रहे होते हो, तो उसमें एक एक मिनट जो हमारे जिंदगी से जा रहा है, ये हमारे जिंदगी में दोबारा वापस नहीं आना जी। तो जैसा सिद्धार्थ ने बोला पीवी की बात, फ्रेंड्स ये बिजनेस हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, बल्कि आने वाली अपनी फैमिली के लाइफ को सिक्योर्ड करने के लिए करते हैं। और इस सिक्योरिटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एक लॉयल कस्टमर, एक ऐसा कस्टमर जिसको एक बार जब आपने प्रोडक्ट दिया तो वो बार बार आपको फोन करके ये बोले, सर मुझे वही प्रोडक्ट चाहिए, उसके बिना मैं दूसरा प्रोडक्ट यूज नहीं करना चाहता। तो मैं आज आप लोगों की ये टेंशन और ये वरीज खत्म कर दूं फ्रेंड्स, क्योंकि स्किन फॉर्मूला 9 एक ऐसा ब्रांड है जिसको मैंने आज मैं 11 साल से इस ब्रांड के साथ एसोसिएटेड हूं, और मैं आपको बताऊं कि द मोस्ट 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 लॉयल ब्रांड और द मोस्ट लॉयल कस्टमर आपको यहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि आप सर्च करके देखना, कहा जाता है कि स्किन केयर इज द मोस्ट लॉयल मार्केट, और जहां पे लॉयल्टी और पीवी दोनों हो तो डेफिनेटली चेक तो वहां पे बड़ा आना ही आना है, राइट? वंडरफुल वंडरफुल आरती, आई थिंक आपने हमें आज रोटी का एक नया मतलब और बता दिया, और यू नो दिस इज अगेन यूरेका मोमेंट फॉर मी टू, क्योंकि बिल्कुल लॉयल्टी जहाँ आएगी वहाँ पे रिपीट परचेज भी आएगी, और वहाँ पे लोगों का जो बिलीफ है प्रोडक्ट के साथ साथ ब्रांड पे और ब्रांड के साथ साथ इस बिजनेस पे और ज्यादा बढ़ेगा। तो थैंक यू वंस अगेन, वेलकम टू द सेकेंड सेशन ऑफ आवर मोस्ट एवर इंटरेस्टिंग टॉक शो, और मुझे पता था कि आपके साथ ये टॉक शो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और बहुत सारे लोगों को स्किन केयर के वो आयाम, मतलब वो चीजें पता लग रही है जिनके बारे में उन्हें पता नहीं था या सोचा भी नहीं था उस डायरेक्शन में। और सो आरती, आई हैव वन मोर क्वेश्चन जो कि बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, और आप जानते हैं हम इंडिया में हैं तो यू नो काफ़ी सारे एक विचार होते हैं हर कंट्री के, यू नो नाउ आई नो कि चीज़ें बहुत बदल रही हैं समय के साथ, बट नॉर्मली मैं देखता हूँ कि आज भी बहुत लोगों का ये मानना है कि स्किन केयर सेगमेंट के ऊपर तो यू नो लेडीज शुड बी वर्किंग, या एक लेडीज का सेगमेंट है, आम अमेल यू नो वाई शुड आई बी वर्किंग ऑन दिस स्किन केयर, इससे मेरा क्या फायदा। तो वो अगर इस उस एक भ्रम को हमने तोड़ना हो, राइट, और हम चाहें कि इवन उसी कॉन्फिडेंस और उसी एक्साइटमेंट के साथ मेल्स भी उस कैटेगरी पे काम करें, तो क्यों करना चाहिए उनको और कैसे कर सकते हैं, अगर आप उसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालें तो बहुत फायदा होगा जी। सिद्धार्थ, आई थिंक आपने ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि मैं लास्ट 11 साल से, और थैंक यू सो मच सिद्धार्थ, क्योंकि ये मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, और मैं जब भी मैं पर्सनली कहीं मीटिंग ट्रेनिंग लेती हूँ तो जितने भी डेमोज होते हैं मैं हमेशा मेल पर ही ट्राई करती हूँ,
क्योंकि फ्रेंड्स आज तक की परसेप्शन बना जरूर है कि और ये परसेप्शन इसलिए बना है क्योंकि अब के पहले स्किन केयर या मेकअप का जो ट्रेंड होता था ना सिद्धार्थ, ये बेसिकली होता था क्योंकि इंडिया में ये कॉन्सेप्ट ही बन गया है कि मेकअप सिर्फ तब करो जब तक, या स्किन केयर तब तक करना जब तक हमारी शादी नहीं होती है, राइट? जब तक आपकी शादी नहीं होती है तब तक फिट रहना बहुत जरूरी है क्योंकि अच्छा लड़का भी मिलना जरूरी है और अच्छी लड़की भी मिलना जरूरी है, इसलिए हमें शादी के पहले हमें टिप टॉप होना बहुत जरूरी है। एक बार हमारी शादी हो जाती है फिर हम लाइफ को फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, अरे अब क्या, अब तो फैमिली है, चलता है जी, बस ऐसी है जी लाइफ, है द शो मस्ट मूव ऑन। लेकिन फ्रेंड्स मेरा ये मानना है कि ये, और ये थॉट हमारा नहीं है, ये पूरी इंडिया का थॉट है। इंडिया में बहुत कम सर्टेन परसेंट लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वैल्यूज को जानते हैं कि हर दिन जब आप सुबह उठते हैं ना वो आपके लाइफ की एक नई शुरुआत होती है और उस दिन आप अगेन आप पुनर्जन्म लेते हैं। आप रात भर सोते हैं और कहा जाता है सोया हुआ इंसान मुर्दे के बराबर होता है, मतलब जब आप सुबह सोकर उठते हैं तो आपका एक पुनर्जन्म होता है और पुनर्जन्म में आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि कल मैं कैसा था। आपका हर दिन बिल्कुल नया दिन होना चाहिए, आपका हर दिन बिल्कुल नया डे होना चाहिए और नई तरीके से तैयार होना चाहिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे ये बोलूं सिद्धार्थ कि नॉट इवन मेल, फीमेल्स का भी ये थिंकिंग था कि हमें तैयार होना है लेकिन टिल द टाइम जब तक हमारी शादी नहीं हुई। लेकिन थैंक्स आज की डेट का एजुकेशन सिस्टम और आज की डेट का अवेयरनेस जिसमें सोशल मीडिया का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है सिद्धार्थ, जहां पे उसने लोगों को ये बताया कि एज इज जस्ट अ नंबर, आपकी उम्र कितनी है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपनी उम्र कितना बनाकर रखा है। मैं हमेशा लोगों से मीटिंग में कहती हूँ कि आप सबके पास आधार कार्ड है, और अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार आज अपने आधार कार्ड को अपना डीपी बना दो या फेसबुक पे जाके उसका अपना प्रोफाइल पिक्चर बना दो तो कितने लोग है जो बनाएंगे? आंसर इज नो वन, कोई भी नहीं बनाएगा। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप डीपी पे अच्छे क्यों लगना चाहते हो, प्रोफाइल पिक्चर पे अच्छे क्यों लगना चाहते हो? जब अच्छा ही लगना है तो हमें 30 डेज, क्योंकि आज के डेट में मेकअप या स्किन केयर इज नॉट फॉर एनीवन, दैट इज फॉर मी। मुझे दूसरे के लिए तैयार नहीं होना है, मुझे खुद के लिए तैयार होना है। मुझे अच्छा दूसरों के लिए नहीं रहना है, मुझे खुद के लिए अच्छा रहना है, क्योंकि इफ यू लुक गुड यू विल फील गुड, एंड यू विल फील गुड यू विल डू अ गुड बिहेवियर, और अगर आप गुड बिहेव करते हैं तो सामने वाला भी आपको वैसा ही रिस्पॉन्स देता है। इसलिए सिद्धार्थ अब मैं बोलूंगी हमें जेंडर बायस्ड नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, आपको हमेशा याद रखना है कि आप, हम, हमारे घर में जितना भी, इंक्लूडिंग मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि हमें हर इंसान को अपने लाइफ का बेस्ट देना है, और जब आप अपने लाइफ का बेस्ट देते हो, आई थिंक समवन हैज शेयर्ड समथिंग, किसी ने, ये कुछ शेयर है। तो जैसा मैं आपको बता रही थी कि आप अगर अपने लाइफ का बेस्ट देना चाहते हो तो यहाँ पे कहीं नहीं लिखा फ्रेंड्स कि मेल और फीमेल। और अगर मैं बात करूं मेल फीमेल की तो पहले मुझे ये बता दो, क्या आपकी आईडी के सामने मेल फीमेल लिखा है क्या? द आंसर इज नो, आपकी आईडी सिर्फ पीवी जानती है फ्रेंड्स। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी जेंडर बायस्ड मत बनिए अपने ब्रांड को, क्योंकि इस ब्रांड की रिक्वायरमेंट हर एक इंसान को है। और दूसरी चीज, ये आपका बिजनेस है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आज फीमेल है जो हमारे, बहुत सारी फीमेल हैं जो एग्री में बहुत अच्छा काम करती हैं। अब आप मुझे बताओ क्या एग्री, अगर मैं बात करूं सिद्धार्थ तो एग्री तो ऐसा नहीं है ना कि ये फीमेल की कैटेगरी है, लेकिन एग्री पे फीमेल कितना अच्छा काम कर रही है। अगर मैं आपको बात करूं आज की डेट में, यस, तो ये मेल फीमेल की बात ही नहीं है, ये बिजनेस है बॉस। और जब बिजनेस है तो बिजनेस को बिजनेस के तरीके से लेना है,
इसको जेंडर बायस्ड होके नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ पीवी दिखता है, और दूसरा दिखता है कि हम कितने लोगों को हम ठीक कर रहे हैं। साथ ही साथ एक पॉइंट मैं जरूर ऐड करूंगी सिद्धार्थ, जो अपने मीटिंग में मैं बोलती भी हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप एक शॉपकीपर हो जो ब्रिंजल बेच रहे हो, राइट, ब्रिंजल, और जब आप ब्रिंजल जो बेच रहा है तो वो कहता है सर ये ब्रिंजल लेकर जाओ बहुत अच्छी सब्जी बनेगी जी। लेकिन जब उसको कोई बाई करता है ना, वो देखता है यार इसके अंदर तो छोटे 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 होल्स हैं। एज अ कस्टमर क्या आप उसको खरीदोगे? द आंसर इज नो, राइट, द आंसर इज नो। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ एक लेसन दूंगी फ्रेंड्स, पीपल लिसन विद देयर आईज, लोग कान से नहीं सुनते, लोग आंखों से सुनते हैं। और अगर आप अच्छे नहीं दिख रहे, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो लोग जब आपको देखेंगे नहीं तो आपको सुनेंगे भी नहीं, और जब आपको सुनेंगे नहीं तो आप बिजनेस को ग्रो भी नहीं कर सकते, करेक्ट। इसलिए ये जेंडर बायस्ड वर्ड भूल जाइए, ये बिजनेस फीमेल से ज्यादा मेल का है, क्योंकि सिद्धार्थ मुझे ऐसा लगता है कि अगर फीमेल फीमेल की तारीफ करे तो थोड़ा कम लगता है, लेकिन अगर मेल फीमेल की तारीफ करे तो ज्यादा अच्छा लगता है। राइट। एंड आई बिलीव ये भी एक कॉमन साइकोलॉजी है कि अगर मैं एक मेल हूँ और कोई मेरे को एक दूसरा मेल अगर कोई प्रोडक्ट, स्किन केयर प्रोडक्ट या यू नो ब्यूटी प्रोडक्ट रेकमेंड कर रहा है, तो शायद मैं उसे इस्तेमाल ना भी करूं, मतलब ऐसा नहीं ना करूं बट करूंगा। बट अगर वो एक फीमेल कर रही है देन आई विल बी मोर देन हैप्पी। या लेट्स से इफ आई एम अ फीमेल, इफ सम मेल इज रेकमेंडिंग कि आप ये प्रोडक्ट यूज करिए मैम, तो आई थिंक वो काम करता है। दिस इज व्हाट आई थिंक इज कॉमन साइकोलॉजी। तो इसके ऊपर आज आई थिंक आपने सारे भ्रम तोड़ दिए कि मेल्स को काम करना चाहिए कि नहीं, और हम सारे लोग अब इसके ऊपर काम करेंगे। बट एक सवाल मेरा अभी भी है कि क्या यू नो कुछ कॉमन आप अगर बताएं कि इस सेगमेंट से जुड़े हुए कुछ कॉमन जो क्वेश्चंस लोगों को आते हैं, कोई भी स्पेशली एक या दो क्वेश्चंस, एंड हाउ वी शुड हैंडल दोस क्वेश्चंस, क्योंकि ये तो एक क्वेश्चन था जो मैंने आपको बताया, बट कुछ क्वेश्चन जो आपको लगता हो कि ये एक क्वेश्चन नॉर्मली आता है और इसको हैंडल करना बहुत जरूरी है, वुड यू वांट टू हाईलाइट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन? राइट सिद्धार्थ, क्योंकि चूंकि सिद्धार्थ मैं भी पिछले 19 साल से इस इंडस्ट्री को हैंडल कर रही हूँ फ्रेंड्स, और 19-20 सालों में मैंने ग्राउंड पे आप लोगों के साथ काम किया है, और जब मैं फील्ड में काम मैंने किया है तो मैंने यही देखा है कि लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस, और ये सिर्फ मैं स्किन के बारे में नहीं बोलूंगी सिद्धार्थ, हर कैटेगरी और हर ब्रांड के साथ साथ लोगों के क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन बेसिकली अगर मैं बात करूँ स्किन केयर और मेकअप के बारे में, जब मैं क्वेश्चंस की बात करूँ तो वेस्टीज में लोग मेरे से हमेशा पूछते हैं कि मैम मेरी एज 30 है, मेरी एज 40 है, क्या मुझे क्यों यूज करना चाहिए स्किन केयर, या मुझे मेकअप के प्रोडक्ट्स क्यों यूज करने चाहिए, या अब हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि हम अपने आप को क्यों मेंटेन करें? तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज बोलना चाहूंगी कि जब आप बिजनेस के लिए जा रहे हो तो कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति आपसे मिलता है तो 30 सेकेंड्स के अंदर वो आपके अंदर 6 क्वालिटीज को देखता है। विद इन 30 सेकेंड्स, हम कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जब पहला इंप्रेशन वो व्यक्ति बनाता है तो वो इंप्रेशन 30 सेकेंड के अंदर बनता है, और 30 सेकेंड के अंदर एक आदमी आपके बारे में 6 जजमेंट लेता है। पहला आपकी पर्सनैलिटी, दूसरा आपकी अथॉरिटी, तीसरा आपका फाइनेंशियल स्टेटस, चौथा वेदर यू आर द सुटेबल पर्सन फॉर द सक्सेस और नॉट, पांचवा क्या आप ट्रस्टवर्थीनेस है, क्या मैं आपकी बातों पर विश्वास करूं, और छठा कि आप मुझे किस तरीके से सफल बनाएंगे। Wonderful. और ये जो 6 क्वेश्चंस का जवाब वो सिर्फ एक चीज से लगा सकता है, वो है आपको देखकर। और ये जो देखने का दायरा है ना फ्रेंड्स,
इसके लिए साल दो साल नहीं चाहिए, ओनली 30 seconds रिक्वायर्ड होते हैं आपकी लाइफ में। तो जब आपका लुक और आपकी पर्सनालिटी इतनी इंपॉर्टेंट है, तो मैं हमेशा बोलती हूं कि आपको एक लीडर और एक इन्फ्लुएंसर, अगर आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, अगर आपको वेस्टीज में आपको भी चाहिए कि मैं DOCD बनूं, वेस्टीज एम्बेसडर बनूं, मेरा करोड़ों का चेक हो, मेरे घर में भी लग्जरी कार हो, जो ड्रीम्स देखकर हम वेस्टीज में आते हैं, तो फ्रेंड्स उसके लिए पहला स्टेप है अपने आप को चेंज करना। क्योंकि जब आपने वेस्टीज ज्वाइन करने का डिसीजन लिया, इसका मतलब आप अपने लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, और जब आप लाइफ को चेंज करना चाहते हैं तो आपको खुद को चेंज करना, ये आपकी सबसे बड़ी चाहत होनी चाहिए। तो मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि पहला नंबर क्वेश्चन ये है कि क्या मुझे यूज करना चाहिए। बिल्कुल, द मोमेंट आपने सोचा कि मुझे अपनी जिंदगी को बदलना है, उस मोमेंट में सबसे पहले आप खुद को बदलिए। क्योंकि समय के साथ अगर आप नहीं बदलते, तो फ्रेंड्स आपने एग्जाम्पल देखे हैं, इतने सारे हमारे सामने एग्जाम्पल हैं, जिसमें नोकिया इज वन ऑफ द बेस्ट। हम आज नोकिया का एग्जाम्पल देते हैं ना, कि नोकिया ने कहा मुझे चेंज नहीं करना, और आज नोकिया इज नोवेयर। तो फ्रेंड्स दुनिया में अगर आपको बदलना है, अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले खुद को बदलिए। दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन है सिद्धार्थ, जहां पे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम क्या कौन से स्किन टाइप का प्रोडक्ट किसको देना है, तो मैं आपको एक ही चीज बोलूंगी फ्रेंड्स, हमारे पास ऑल सेगमेंट, ऑल कैटेगरीज, ऑल स्किन टाइप के प्रोडक्ट है, जिसमें हम मैं बोलूं चाहे वो जेंडर की बात कर लो, मेल फीमेल, या सीजन की बात कर लो कि समर है, विंटर है, हॉट एंड कोल्ड, सब हर चीज के लिए। वेस्टीज के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम हेल्दी स्किन प्रोडक्ट बोलते हैं। ये सिर्फ स्किन केयर नहीं है, ये स्किन हेल्थ के प्रोडक्ट है, जिसमें हम स्किन के हेल्थ को अच्छा रखते हैं, बिकॉज वी आर हेल्थ रिलेटेड कंपनी। तो हमारे जो स्किन केयर के भी प्रोडक्ट है ना, ये दुनिया से बहुत अलग है। आपने मार्केट में जो प्रोडक्ट देखे होंगे फ्रेंड्स, आपने मार्केट में एक वर्ड सुना होगा फेयर एंड मैं नाम नहीं बोलूंगी, फेयरनेस का प्रोडक्ट है, राइट? बट यहाँ पे हम यूज करते हैं ब्राइटनिंग, हम कभी भी यूज फेयर नहीं करते, वी ऑलवेज यूज द वर्ड ब्राइटनिंग, और हम उसको कहते हैं ब्राइटनिंग ट्रीटमेंट, इट्स अ ट्रीटमेंट टू द स्किन। तो हमेशा याद रखिए, वेस्टीज का जो स्किन केयर है, या वेस्टीज का जो मेकअप है, या वेस्टीज का जो ड्यू गार्डन का सेगमेंट है, ये सारे स्किन केयर नहीं है, ये हेल्दी स्किन केयर प्रोडक्ट्स है फ्रेंड्स, और इसके अंदर सारे इंग्रेडिएंट्स आपके स्किन के हेल्थ को ध्यान में रखकर बनाए गए, इसलिए ये बहुत बड़ा सेगमेंट है, जिसको आपको, अगर आप इंटरनल, अगर आप हेल्थ पे विश्वास करते हैं, तो आपको स्किन हेल्थ पर भी उतना ही विश्वास करना है, और ये तभी होगा जब आप सारे लोग इस प्रोडक्ट को मिलकर यूज करेंगे। जी सिद्धार्थ, वंडरफुल वंडरफुल आरती मैम, थैंक यू सो मच। बट आई थिंक यू नो, जो आपने अभी एक चीज बताई कि हमारा थॉट प्रोसेस लोगों को फेयर बनाना नहीं है, हमारा थॉट प्रोसेस स्किन को ब्राइटन करना है। नाउ व्हाट डज इट शो? It shows the, you know, the inclusion and diversity aspect of Vestige as an organization, and you know, respecting every individual as the way they are, and you know, feeling comfortable in their own skin, and you know, ये कहीं ना कहीं company का management का thought process भी दिखाता है। But एक सवाल है जो मैं आपसे पूछे बिना रह नहीं पा रहा, कि क्या कुछ ऐसा है skin care में in future जो आने वाला है, या we all should be excited about, you know, as a team, anything if you would want to share with us? सबसे पहले तो मैं सिद्धार्थ आपको, क्योंकि आप हेड ऑफिस में बैठे हो और हमारे स्क्रीन पे जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सब लोगों को पहले तो दिल से थैंक यू बोलूंगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है फ्रेंड्स, कि अभी जितने प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, लास्ट जितने भी प्रोडक्ट्स हमने लॉन्च किए, स्पेशली अगर मैं न्यू लॉन्चेस की बात करूं सिद्धार्थ, तो अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है SPF 50 सीरम बेस्ड ट्रिपल प्लस।
राइट और जितने भी लोग यहाँ पे यूज जिन्होंने प्रोडक्ट यूज किया होगा, मैं मालती मैम को देख पा रही हूँ यहाँ पे और मालती मैम ने जरूर उसको यूज किया होगा, आई एम 100% श्योर। तो जितने लोगों ने भी यहाँ पे यूज किया इस प्रोडक्ट को, क्योंकि मैं हर जगह जाती हूँ और लोगों का फीडबैक लेती हूँ, और इनफैक्ट मैं अगर आपको पर्सनल अपना भी बताऊं, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ इस प्रोडक्ट की, बहुत बड़ी। क्योंकि अब तक हमने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज किए थे या पहले हम जब बात करते थे, तो मैंने जितना भी मार्केट का प्रोडक्ट टेस्ट किया या उनका हम जब कॉम्पिटिशन एनालिसिस करते हैं देखते हैं, सो दे ओनली बिलीव इन एक सेगमेंट कि ये स्किन का प्रोडक्ट है। बट वी, जैसे मैंने आपको बताया, हम बात करते हैं स्किन हेल्थ, हम हेल्थ की बात करते हैं क्योंकि वी आर इनटू हेल्थ। तो हमारे जो प्रोडक्ट होते हैं, चाहे वो इंटरनल हेल्थ के हो या एक्सटर्नल हेल्थ के हो, उन दोनों में एक वर्ड आपको कॉमन मिलेगा, दैट इज हेल्थ। और फ्रेंड, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुझे ये बाहर से सुंदर रखने के लिए दिया गया है। द लार्जेस्ट ऑर्गन ये हमारी बॉडी का, जिसका टेक केयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चाहे मैं सीरम हमारा जो SPF 50 है, मैं उसकी बात करूं सिद्धार्थ, ये भी जो प्रोडक्ट है, और उसके साथ अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया है सिंदूर और सीरम बेस्ड लिपस्टिक्स। तो जितनी भी फीमेल है यहाँ पे जिन्होंने वो सीरम बेस्ड लिपस्टिक को यूज किया होगा, ये लिपस्टिक्स भी लिप केयर की कैटेगरीज में आते हैं। ये सिर्फ लिपस्टिक नहीं है, दे ऑल आर लिप केयर कैटेगरीज के अंदर आता है। तो मैं यही बोलूंगी फ्रेंड्स कि हमारे जितने भी न्यू लॉन्चेस, जो अपकमिंग लॉन्चेस हैं, जो मैं डेफिनेटली बोलूंगी, क्योंकि वी बिलीव कि हर 2 से 3 महीना के अंदर हम रिवोल्यूशनरी नए नए प्रोडक्ट लेकर आए, जिसके ऊपर हमारी टीम, हमारी पूरी R&D की टीम है, आप सबको जैसा पता है, हमारी ब्रांड मैनेजर है, और वो बहुत ही पैशनेटली काम कर रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स आपके लिए लेकर आने का। जिसमें सिद्धार्थ, मैं आपको बता दूं तो इंडिया में 2 चीजें सबसे ज्यादा हर इंडियंस की तमन्ना होती है, मैं बोलूंगी वर्ल्ड वाइड होती होगी, लेकिन मैं इंडियन हूं तो मैं इंडिया के ऊपर ज्यादा फोकस करती हूँ, जिसमें हम कभी भी, कोई भी इंसान, हम नहीं चाहते कि हमारे स्किन पे रिंकल्स आए, राइट, बिल्कुल, हम हमेशा यंग रहना चाहते हैं, हम हमेशा यंग दिखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, कवल इसके ऊपर काम कर रही है और बहुत जल्द आपको स्किन टाइटनिंग का हमारे पास ऑलरेडी प्रोडक्ट है, लेकिन उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हम लेकर आ रहे हैं जिसमें ये जैसे दिल की तमन्ना होती है ना कि 45 में भी 25 का लुक, तो हम आपको वो प्रोवाइड करने के लिए प्रिपरेशन ले रहे हैं फ्रेंड्स। इट्स जस्ट इंटरनल इंडिकेशन मैंने दिया, तो यंग इंडिया का जो सपना है, वो यंग इंडिया हम दिल से तो है, लेकिन साथ ही साथ यंग इंडिया हम स्किन से भी होंगे। And I think आपने हमें बातों में बहुत कुछ बता दिया, सो थैंक यू सो मच। एंड आई थिंक यू नो, बिकॉज ये दिखा रहा है कि हमारी टीम और आप, स्पेशली आपकी टीम, रेगुलरली नए नए प्रोडक्ट्स के ऊपर काम कर रही है, जो हमारे को और मदद करेगी बिजनेस को और अगले लेवल पे लेके जाने के लिए। तो ये दिख रहा है कि जब MD सर बोलते हैं या मैनेजमेंट बोलती है कि बाई 2030 वी हैव टू बी $1 billion कंपनी, Now it is only possible through these kind of products and this kind of planning, right? So that is fantabulous. Now, समय को ध्यान में रखते हुए मेरा मन तो नहीं कर रहा कि मैं सेशन को क्लोज करूं, but yes, समय की कुछ सीमाएं होती हैं, और मेरा तो यही कहना है कि इस सेशन का हम एक और पार्ट लॉन्च करेंगे, episode 2 अगेन विद आरती मैम। बट बिफोर वी गो एंड बिफोर आई लेट यू गो, एनी फाइनल मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे आरती? मैं सिर्फ एक चीज बोलूंगी सिद्धार्थ, जो मेरे दिल के बहुत करीब है और जिसके ऊपर मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, फ्रेंड्स, एजुकेशन इज द ओनली वेपन्स टू ग्रो अहेड। तो अगर आपको आगे बढ़ना है, प्लीज सेशंस को अटेंड कीजिए स्किन के ऊपर, क्योंकि स्किन एक बहुत बड़ा सेगमेंट है और बहुत लॉयल सेगमेंट है। तो मैं सिर्फ यही जानती हूँ कि अगर आपको बड़े पीवी की तरफ जाना है, लॉयल्टी बेस्ड बिजनेस चाहिए, और आपको अगर लॉयल कस्टमर चाहिए, तो हमेशा याद रखिएगा, सही कस्टमर को सही प्रोडक्ट जब आप रेकमेंड करते हैं, तब लॉयल्टी आती है, और उस लॉयल्टी के लिए आपके अंदर उस नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोगों से
जितने भी हमारे सेशंस होते हैं उन सेशंस को जरूर अटेंड करें, अपने नॉलेज को इनहेंस करें, ताकि सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट देकर हम अपने लाइफ टाइम बिजनेस को लॉयल बिजनेस की तरफ कन्वर्ट कर सके। क्योंकि मैं हमेशा एक ही चीज बोलती हूँ कि नेटवर्क इज नॉट अ बिजनेस, इट्स अ बिजनेस ऑफ रिलेशनशिप। ये रिश्तों का बिजनेस है और रिश्ते तभी स्ट्रांग होंगे फ्रेंड्स जब हम सही व्यक्ति को सही प्रोडक्ट रेकमेंड करेंगे, और इस रेकमेंडेशन के लिए नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जी। बहुत बार हम क्या करते हैं, हमें शायद रिक्वायर्ड होगा कुछ और प्रोडक्ट रेकमेंड करना, लेकिन जैसा होता है कि हो सकता है हमें लगता है ये देना चाहिए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप लोगों से, अगर कभी भी कहीं भी डाउट हो या कभी भी आपको लगे, क्योंकि हमें हम कंसल्टेंट हैं, हमें कंसल्टेंसी करनी चाहिए, और कंसल्टेंसी आप तभी करेंगे जब आपका नॉलेज बहुत ही स्ट्रांग होगा। तो हम अलग अलग लेवल पे ट्रेनिंग मीटिंग करा रहे हैं फ्रेंड्स, और हमारी ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी हम वर्ल्ड वाइड, मैंने बहुत जगह पे काम किया है, चाहे वो बांग्लादेश की बात करो सिद्धार्थ, फिलीपींस की बात करें, नेपाल की बात करें, तो मैंने देखा कि हमारे जितने भी जगह पे लोगों ने प्रोडक्ट को यूज किया है, हर जगह से बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक्स आए हैं। तो प्रोडक्ट क्वालिटी, इसके बारे में वेस्टीज पे हम कभी भी क्वेश्चंस कर ही नहीं सकते। ये हमारा सबसे बड़ा यूनिक सेलिंग पॉइंट रहा है, वी बिलीव इन क्वालिटी। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको कहीं भी कुछ भी लगे, क्योंकि बहुत बड़ा मार्केट है ये, बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं, सिर्फ अगर लगे कि हमें अपने नॉलेज को इनहेंस करना है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे फ्रेंड, हमारी पूरी टीम, और पूरी टीम का मतलब मैं आपको बताऊं कि चाहे वो ब्रांच ऑफिस हो, चाहे वो ब्यूटी एंड मेकअप के बंदे हो, चाहे वो सिद्धार्थ हो, चाहे वो इवेंट टीम हो, चाहे वो हेल्थ टीम हो, पूरा वेस्टीज परिवार आपके साथ खड़ा है फ्रेंड्स। हमारा सिर्फ, जैसा हमारे एमडी सर कहते हैं, हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, आप आगे बढ़ें, क्योंकि आप आगे बढ़ेंगे तो वेस्टीज आगे बढ़ेगा, और वेस्टीज आगे बढ़ेगा तो हमारे नहीं, हमारे इंडिया के सारे लोगों के सपने पूरे होंगे, राइट? तो इसी के साथ मैं यही बोलूंगी, बस अपने नॉलेज को इनहेंस करते जाएं, कहीं कोई भी डाउट आए तो डाउट के साथ प्रोडक्ट ना दें, आप जस्ट कंसल्टेंसी जरूर करें, और अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमारे तक रीच करने में बिल्कुल संकोच ना करें, हम सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बैठे हैं, आपको जो भी हेल्प चाहिए हमारी पूरी टीम रेडी है उसके लिए, वेस्टीज परिवार उसके लिए रेडी है, बस मिलकर एक नया मुकाम बनाना है। और इस इंडस्ट्री में मैं एक ही चीज बोलूंगी, जैसे पूरे हिंदुस्तान में एग्री के मामले में कहा जाता है कि वेस्टीज नंबर वन पे है, कल मैं चाहूंगी कि एमडी सर खड़े हों और कहें स्किन केयर भी नंबर वन पे आता है, और ये जब हम सारे लोग मिलकर काम करेंगे तभी पॉसिबल है। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी, ओवर टू यू। ओके, थैंक यू, सुपर से भी ऊपर आई मस्ट से, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक, माइंड ब्लोइंग, फैंटाबुलस सेशन, एंड यू नो आई वाज मतलब आपने जो चीजें शेयर करी देवर एक्चुअली यू नो पर्सपेक्टिव चेंजिंग, मतलब कई जगह तो घूस बम्स आ गए, एंड आई नो कि जैसा जितना अच्छा मुझे आज का सेशन लगा सभी को लगा होगा। और थैंक यू वंस अगेन आरती, क्योंकि एक होता है सेशन करना, एक होता है सेशन में पुटिंग योर हार्ट एंड सोल इनटू इट एंड गिविंग समथिंग विच कैन रियली हेल्प पीपल यू नो एम्पावर, गेट एम्पावर्ड एंड विन इन दिस बिजनेस। सो वंस अगेन मैं हर व्यक्ति की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। मन तो नहीं है सेशन को क्लोज करने का, बट यस वी हैव टू, एंड देन मैं कोशिश करूंगा जल्दी से आपसे हम दोबारा मिले, और मैं ये भी चाहता हूँ कि जल्दी से आप आए, यहाँ भी आए, इस तरफ भी आए, हर जगह जाए, हमसे मिले, और यू नो साथ में कुछ और ट्रेनिंग्स करें। और जैसे कि अभी मालती मैम के बारे में आप बात कर रहे थे, तो आई नो मैनी ऑफ द पीपल आर हेयर हु रियली यू नो अप्रिशिएट यू पर्सनली, एंड द एंटायर टीम इज वर्किंग सो हार्ड when it comes to entire skin care team, be it Anshpreet, be it Kaval, and be it each and every person. So thank you so much, and main aapka fir dobara dhanyawad karna chahunga, and I think this was our first talk show and our mind blowing talk show.
So thank you, Aarti. Siddharth, thank you so much, brother. But before closing this session, मैं यहाँ पे जितने लोग मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग इस सेशन को देखेंगे, मैं सबसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगी. फ्रेंड्स, आप लोगों ने स्किन केयर, ब्यूटी एंड मेकअप के या हमारी किसी भी कैटेगरी का आप कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज वीडियोस बनाएं, रील्स बनाएं, शेयर करें और मुझे टैग करना बिल्कुल ना भूलें. राइट, आप फेसबुक पे जाएंगे, आरती श्रेयांश तिवारी आपको मिलेगा और आप इस आईडी को ARATI है तो इस नाम से आप सर्च करना और टैग मुझे जरूर करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे मैक्सिमम से मैक्सिमम पूरी दुनिया को हमारी कैटेगरी के बारे में पता चले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट्स मिले इसके. और इसी के लिए आप लोगों को सोशल मीडिया का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो प्रोडक्ट आप लोगों ने यूज किया, आप 1-to-1 तो बात करते ही हो, ट्रेनिंग मीटिंग करते हो, लेकिन वीडियोस और रील्स बहुत इंपॉर्टेंट है इस कैटेगरी के ऊपर. तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी हम सब लोगों को इसको आगे बढ़ाने के लिए ये काम अब शुरू कर देना चाहिए. राइट, यस सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच ब्रदर. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीबॉडी फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस मीटिंग. और आगाज हो चुका है टॉक शो का with the most ever wonderful person, our guest, Aarti ma'am. Thank you so much. और मिलते हैं दोबारा अगले talk show में. तब तक के लिए जुड़े रहिए, stay tuned and God bless you all. Wish you well. Thank you, Aarti. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Thank you. Bye. Thanks. Bye.